इलाज कहां से करवाएं, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में भी ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान नापैद है। मरकजी और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स में डिस्पोजेबल सामान नापैद है। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल मरीजों को इलाज की सहूलियत फराहम करने में मसाइल का शिकार हो गया। अस्पताल के मरकजी और शोभा इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर्स में डिस्पोजेबल सामान ही खत्म हो गया। सर्जिकल ग्लव्स, पेपर ग्लव, गाज, सर्जिकल ब्लेड्स, ईटीटी लाइंस, नशावर इंजेक्शन और मलमल समेत दीगर सामान मरीजों के लवाहिकीन से मंगवाया जा रहा है। दूसरी जानिब शोभा आउटडोर में आने वाले मरीजों को भी 50% अद्वियात मेडिकल स्टोर से ही लेना पड़ती है। चिश्तियां से आऊं अपनी मम्मा को लेकर यहाँ पे, उनके यहाँ पे पित्ते में दर्द था, तो उन्होंने मतलब 7 दिन के बाद हमें छुट्टी दे दी है और ये दवाइयाँ लिख के दी हैं। इनमें से हमें आधी मिल गई हैं और आधी तकरीबन नहीं मिली। आर्थो में गए थे, आर्थो वालों टीवी डिस्पेंसरी के पास भेजा, वहाँ पे नीचे ये दो मेडिसिन मिली और तीसरी नहीं मिली, तो मेन फार्मेसी आउटडोर पे आया हूँ, तो यहाँ पे दो ऊपर वाली मिल रही है, तीसरी नीचे दो बार नहीं मिल रही, 50% मेडिसिन मिल रही है, 50 नहीं मिल रही। तर्जमान विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर असलम मलिक का कहना था कि ऑपरेशन का सामान ना होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात हैं, लेकिन आइंदा बोर्ड मीटिंग में सामान की खरीदारी की मंजूरी के बाद ही खरीदारी के ऑर्डर दिए जा सकेंगे। 300 से ऊपर हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, जबकि बाकी पंजाब में 200 से ऊपर किसी के पास भी नहीं है। कुछ हमारे पास डिस्पोजेबल आइटम्स हैं जिसका हमें अपना जुमे को बोर्ड की मीटिंग रखी है, उसमें हमने सारा होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, उनसे अप्रूवल लेके इंशाल्लाह हम इसको परचेज कर लेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी आ रहा है कुछ मरीजों को, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह जल्दी ये दूर हो जाएगा। ज़राए से मालूम हुआ कि सामान की कमी के बावजूद अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टर्स को सख्त मना किया है कि मरीजों को दरपेश मसाइल की कोई खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतल लशारी, बहावलपुर।